एजलेस विजडम, नेक्रोमेंसी अर्थात प्रेत विद्या जिसको बोलते हैं, यानी कि जो मृतकों से बात करते हैं अपनी भविष्यवाणी को करने के लिए, अपने ईगो और अपने आप को बताने के लिए कि अरे मेरे पास इतने पावर्स हैं, जो मृतकों से बात करते हैं उन सब के खिलाफ है। एजलेस विजडम मीडियमशिप के एक्टिविटी, चैनलिंग और ऑटोमेटिक राइटिंग के भी खिलाफ है। सिर्फ टॉरकॉम में ही पूरे थियोसॉफिकल की बुक्स आप पढ़ लीजिए, हर जगह आपको यही दिखेगा। तो जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आप लोग को समझाऊंगी या याद दिलाऊंगी, समझाऊंगी नहीं, हम पांच डेथ होती है, अभी हम आखिरी के दो डेथ को छोड़ देते हैं क्योंकि टाइम कम है, अभी हम सिर्फ तीन डेथ के ऊपर ध्यान देते हैं। जैसे कोई इंसान मरता है तो पहले वो फिजिकल बॉडी छोड़ता है और उसके साथ एथरिक बॉडी भी छूट जाती है। एथरिक बॉडी थोड़े समय के बाद धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। जिन लोग बहुत स्वस्थ होके अचानक मर जाते हैं तो उनकी एथरिक बॉडी काफी टाइम तक के रहती है क्योंकि उनके में वाइटल एनर्जी ज्यादा है, और इसीलिए हम कब्रिस्तान में ब्लू रंग की जो रोशनी देखते हैं तो वो नवमृत दफनाए हुए शव के रहते हैं। तो हम फिजिकल बॉडी भी छोड़ के जा रहे हैं, एथरिक बॉडी भी छोड़ के जा रहे हैं। अब हमारी सोल एक वाहन को लेती है, एस्ट्रल बॉडी, हमारी सोल जो सात आत्माओं का खेल रची है, वो अब एस्ट्रल बॉडी में प्रवेश करके एस्ट्रल बॉडी को लेके जाती है एस्ट्रल वर्ल्ड में। वहां पर कुछ समय रहने के बाद कैसे लोग रहेंगे मैं बताऊंगी। एस्ट्रल बॉडी एस्ट्रल वर्ल्ड में रहेगी, एथरिक बॉडी एथरिक वर्ल्ड में रहेगी, मेंटल बॉडी मेंटल वर्ल्ड में रहेगी। कभी भी मेंटल बॉडी एस्ट्रल वर्ल्ड में नहीं आएगी और कभी भी एस्ट्रल बॉडी मेंटल वर्ल्ड में नहीं जाएगी, ये क्योंकि मैटर का फर्क है। जैसे हमारी फिजिकल बॉडी पांच सेंसेस से बनी है, वैसे ही हर एक के ईथर्स वगैरह सब है, हम उतना डीप में नहीं जाएंगे। तो सबके मैटर की एक संयोजन है तो वो उसी वर्ल्ड में रहेगा। हम एस्ट्रल वर्ल्ड में जाएंगे अपनी एस्ट्रल बॉडी के साथ, फिर हम मेंटल वर्ल्ड में जाएंगे। तो जब मेंटल वर्ल्ड में जाएंगे तो हमारी एस्ट्रल बॉडी को हम वहीं छोड़ देते हैं। हमारी एस्ट्रल बॉडी जो वहां पे छूट जाती है उसको हम कहते हैं, जो टॉरकॉम कहते हैं, लाश, समझ लीजिए एस्ट्रल लाशिंग, एस्ट्रल कॉप्स, कॉप्स भी बोल सकते हैं, लाश भी बोल सकते हैं, जो भी बोलना चाहे। लाश थोड़ा अच्छा नहीं लगता, कॉप्स बोलते हैं, थोड़ा डरावना लगता है लाश, पर थियोसॉफिकल और एजोटेरिक वाले साइंस वाले लोग इसको कहते हैं। मैं आप थोड़ा ज्यादा ज्ञान दे रही हूँ ना आप लोगों को, आगे चल के बहुत काम आएगा भाई आप लोगों को, कोई व्यर्थ नहीं जाएगा ये ज्ञान। वो कहते कि जैसे वो अपनी एस्ट्रल बॉडी छोड़ के जाती है तो पहले वो शेड बनती है। शेड मतलब जैसे मान लीजिए मैं मर गई, मैं मरने के बाद मेरी एस्ट्रल बॉडी रही फिर मेंटल वर्ल्ड में गई, तो जो मेरा बॉडी गिरेगी पहले वो शेड बनेगी। वहां पे नीता की पूरी जानकारी रहेगी, नीता क्या क्या करी क्या क्या नहीं करी सब सब जानकारी रहेगी, मेरी लाइफ की पूरी रिकॉर्डिंग्स उसके पास रहेगी, उस लाश के पास, कॉप्स के पास। फिर वो शेड धीरे धीरे शेल बनेगा क्योंकि वो भाई नेचुरली वो डिजनरेट होएगा ना, विलुप्त होते जाएगा, डिकम्पोज होते जाएगा, फिर वो शेल बन जाएगा, खोल बन जाएगा। पहले छाया थी फिर खोल बन गया, शेल बन गया। उसमें भी रहेगी रिकॉर्डिंग्स, वो भी नीता का रूप लेके खड़े हो सकती है किसी के भी सामने। कभी चांद जी मेडिटेशन करेंगे तो मेरी वो कॉप्स आके बात कर सके, चांद जी कैसे है, कैसे चल रहा है, ऐसा, क्योंकि उनके पास वो सारी रिकॉर्डिंग्स है और सारी सब्सटेंस है कि वो रूप ले सकती है। यहाँ पे सिर्फ मैंने आप लोग को बताया कि शेड और शेल्स में फर्क, पर यहाँ पे टॉरकॉम सिर्फ शेल को यूज करते हैं, शेल। इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ, आप लोग को और थोड़ा जानकारी देना था, क्योंकि वो कहते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी कि जो ये जो शेल है ना उसको भी कई लोग एलिमेंटल्स लोग यूज कर लेते हैं उन मरे हुई लाशों को, मतलब शेल्स को वाइटलाइज शेल बोलते हैं, और उसको वूडू के लोग जो वूडू करते हैं ना और काला जादू करते हैं वो लोग यूज करते हैं। ब्लैक मैजिशियंस किसको यूज करते हैं, सिर्फ इसको बताने के लिए मैं आप लोग को इतनी कहानी सुनाई, ठीक है। तो अब हम समझेंगे, ठीक है, कॉप्स है, कॉप्स चले गए, कॉप्स हैं, फिर वो एस्ट्रल बॉडी छोड़ के मेंटल वर्ल्ड में गई। अब मेंटल वर्ल्ड में जब जाएगी तो मेंटल बॉडी रहेगी। अब वहां पर
मेंटल वर्ल्ड में रहेगी, वहां पे अपने मोटिव्स, अपने प्लान सब दिखेगी, एक एक उद्देश्य हम दिखेंगे, सब कुछ करेंगे। फिर उसके बाद अगर मान लो मेरा अंतःकरण नहीं डेवलप हुआ, मतलब लोअर मेंटल से हायर मेंटल में मेरा अंतःकरण नहीं डेवलप हुआ, मेरा ज्ञान, मेरे प्योर मोटिव नहीं रहे, मेरी अच्छी जिंदगी में, क्योंकि पूरे हमारे अर्थ का रिफ्लेक्शन है, वो पूरे हमारे अर्थ का रिफ्लेक्शन है, एक-एक आपके जो चीजें हो रही हैं वहां पे प्रिंट के रूप में हमको भोगनी है। तो अगर आपका अंतःकरण नहीं हुआ तो आप हायर मेंटल में जब जाएंगे तो फिर अपनी एक लाश को छोड़ के जाएंगे, उसको हम बोलते हैं मेंटल कॉर्प्स। और यदि आप हायर एडवांस हैं, आपके मोटिव्स अच्छे हैं, आपके क्रियाकलाप अच्छे हैं पृथ्वी पर, तब अपनी उस मेंटल बॉडी के को लाश को नहीं फेंकेंगे, बल्कि एक कंटिन्यूटी ऑफ कॉन्शियसनेस में देवाचिक प्लेन में चले जाएंगे। हायर वर्ल्ड से इसलिए मैं आप लोगों को जानकारी दे रही हूँ क्योंकि देवाचिक का बहुत बार जिक्र होएगा आगे चलकर। वो एक ऐसा संसार है जहां पे एंजल्स रहते हैं, जहां पे ब्लिस है, जॉय है, सब कुछ है, पर तब के लिए, तो वहां पे पहुंचने के लिए हमको अंतःकरण, अपनी हायर मेंटल बॉडी को डेवलप करना होगा। नहीं तो हम क्या करेंगे, मेंटल बॉडी को छोड़ेंगे, वहां पे मरेंगे, मतलब वहां पे मृत्यु होएगी, फिर हम पॉइजन वर्ल्ड में जाएंगे, फिर हम जन्म लेके वापस, मतलब पहली डेथ फिजिकल, दूसरी एस्ट्रल, तीसरी मेंटल, फिर हम पॉइजन वर्ल्ड में जाकर फिर हम जन्म लेते हैं। ये हमारा चलते रहता है, चलते रहता है, ये हम ऐसा जानते हैं, पर थियोसॉफिकल थोड़ा सा डिफरेंट बोलता है, अभी मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर कंफ्यूजन क्लियर वो होगा आपको। तो ऐसे तीन डेथ होती है। तो अब टॉरकॉम बोलते हैं कि मीडियम क्या करता है, जो ध्यान में बैठा है, मेडिटेशन कर रहा है, अब उसके पास वो साइकी पावर्स है कि वो एस्ट्रल ट्रेवल कर सकता है। अब वो जब एस्ट्रल ट्रेवल कर रहा है तो वो मोस्टली ऐसे शेल्स यानी कि ऐसे कॉप्स के साथ कनेक्ट हो जाता है, या मेंटल कॉप्स के साथ वो कनेक्ट हो जाता है। तो ये एस्ट्रल कॉप्स उन्होंने कहा दो टाइप की हैं, जैसे आपको बताया कि कुछ एडवांस होते हैं, कुछ लोग बुरे व्यक्ति होते हैं, वहां पर सिर्फ दो ही टाइप के हैं। तो जो बुरे टाइप के लोग हैं, जिनके में बहुत ही संसारिक इच्छाएं हैं, लस्ट है उनके में, एडिक्शन है, हैबिट्स है, या संसार की चीजों से बहुत अटैच रहती हैं, वो एस्ट्रल उनके जो कॉर्प्स हैं, उनकी जो लाशें हैं, वो बहुत टाइम तक के बैठे रहेंगे वहां पे, कई कई वर्षों तक के, कई कई शताब्दियों तक के वहां पे सरवाइव करेंगे, क्योंकि उनको ये जो निगेटिव इमोशंस है वो उनको जिंदा रखता है। और क्योंकि जब तक वो प्यूरिफाइड नहीं होंगी आगे इतने सुंदर वर्ल्ड की तरफ नहीं जा सकती। दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो एडवांस सोल होती हैं, वो जब जाती हैं तो वो जैसे अपनी एस्ट्रल बॉडी को छोड़ेंगी तो उनकी जो एस्ट्रल बॉडी की जो कॉर्प्स है वो कुछ महीने रहेगी, कुछ दिन रहेगी, और कई के तो कुछ घंटे रहेंगे, कुछ एक घंटे के बाद एक बर्न हो जाएगा क्विकली, या एक्सप्लोड हो जाएगा और उनकी कॉर्प्स नहीं रहेगी। जैसे जो हम जानेंगे कि अच्छे महावतार बाबा जी आएंगे, सब उनकी कोई, खैर वो तो निर्वाणिक प्लेन में है, मैं गलत एग्जांपल दे दी, मतलब एक एडवांस सोल है मान लीजिए कोई, तो वो तुरंत अपने बॉडी को छोड़ेगी और बॉडी, उनकी जो कॉर्प्स है वो तुरंत डिसअपियर हो जाएगी। मेंटल कॉर्प्स में भी सेम ऐसे ही होता है कि जल्दी मेल्ट होके वो तुरंत गायब हो जाती है, जो एडवांस सोल है। और जो बुरे व्यक्ति हैं, उनको जिनके मन में लालच है, रिवेंज है, गिल्ट है, वो भी लंबे समय तक के उनकी मेंटल कॉर्प्स रहेंगे। तो ये कॉर्प्स जो है उनके में टेंडेंसी होती है, वो अपने अर्थ के प्रति बहुत अट्रैक्टेड होते हैं। नेचुरली उनको एंगर, फियर, जेलेसी या जो भी है, और कई लोगों को लस्ट रहता है, खाने की बहुत इच्छा होती है, या कोई सेंसेस को भोगना रहता है, तो वो उनका अट्रैक्शन पृथ्वी की तरफ रहता है। तो मीडियम जो मेडिटेशन कर रहा है, जो माध्यम बन जाता है उसका, वो ऐसे कॉप्स को ह्यूमन लाइफ के करीब लाने के लिए एनर्जी देता है और उनको एक्टिव करता है। तो टॉरकॉम बोलते हैं, आप लोगों को लगेगा कि उसको कैसे एक्टिव करेगा भाई, वो तो मेडिटेशन कर रहा है, उसको क्या मालूम कि ये कॉप्स है और उसको एनर्जी देना है। नहीं, जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमारे बॉडी में से एक एक्टोप्लाज्म निकलता है, एस्ट्रल एनर्जी निकलती है,
गूगल में ऐसी डेफिनेशन दी गई है, पर टॉरकॉम ने डेफिनेशन दिया है कि एक्टोप्लाज्म हमारे जो लिम्फ ग्लैंड्स हैं और जो हमारे ऑरा है उसका एक संयुक्त एक उत्सर्जन होता है, कुछ चीज निकलती है हमारी, जो हमारी फिजिकल बॉडी और हमारी जो सटल बॉडीज है उसके बीच में कम्युनिकेशन करती है। जैसे मान लीजिए मेरी एस्ट्रल बॉडी चली गई कहीं घूमने के लिए, तो मेरी फिजिकल बॉडी उसके साथ कैसे कम्युनिकेट करेगी? तो वो एक्टोप्लाज्म होता है जो कनेक्शन कराता है, कम्युनिकेट कराता है। तो वो हर एक इंसान जब भी मेडिटेशन में बैठता है तो हम एक्टोप्लाज्म को रिलीज करते हैं। तो जब ऐसा व्यक्ति जिसके में थोड़ी सी भी इच्छा है या साइकी पावर्स के लिए थोड़ा अर्ज है उसको कि क्या होता है, मुझे भी होना चाहिए, या किसी मास्टर को बुला के हेल्प मांगता है, ये जो भी चीजें हम एक्टिविटीज करते हैं, तो वो एक्टोप्लाज्म और एस्ट्रल एनर्जी जो मीडियम से निकलती है एक लिंक बनाती है लाश और मीडियम के बीच में, और फिर जो भी उस कॉर्प्स में वासनाएं होंगी, इच्छाएं होंगी, वो अपना खेल खेलना शुरू कर देती हैं थ्रू मीडियम। मीडियम को पता भी नहीं चलता कि वो एक पपेट बन गया है एक एंटिटी का। कॉन्शियसली वो सोचेगा बिल्कुल वैसे ही हूं मैं जैसा चल रहा हूं, मैं वही मेडिटेशन कर रहा हूं, पर खेल शुरू हो जाता है। और उन्होंने कहा है कि मीडियम का सबकॉन्शियस और कभी कभी कॉन्शियस माइंड, जिसको इच्छा रहती है ना कि अच्छा मुझे इसका आंसर बता दो, इसका कोई जैसे नहीं कोई मैसेज या कोई आंसर ढूंढता है अगर मीडियम, तो बकायदा उनसे वो मीडियम खींच भी लेगा आंसर और मैसेज, उनको पावर दे रहा है और उनसे ले रहा है, क्योंकि वो अभी एस्ट्रल प्लेन पे हैं, उनके पास पावर्स हैं, वो जो कॉप्स है ना उनके पास पावर्स है, आगे चल के और धीरे धीरे मालूम चलेगा आप लोग को। तो वो उनसे मैसेज वगैरह सब ले लेता है और उसको लगता है कि मैं एक डिपार्टेड एक मृतक आत्मा से बात कर रहा हूं, जबकि वो मृतक आत्मा नहीं, मृतक आत्मा की लाश है, मतलब समझते हैं कॉप्स है। तो एस्ट्रल बॉडी जो भी ये कॉप्स होती हैं वो कोई भी फॉर्म ले सकती हैं, किसी का भी रूप ले सकती हैं, और अपने छवि को, जैसे मान लीजिए बुद्धा की छवि को वो माइंड में प्रोजेक्ट करेंगी। इसका मैं एक स्लाइड दिखाऊंगी आपको, आज मैं डाउनलोड नहीं कर पाई किसी कारणवश, बहुत सुंदर तरीके से डॉक्टर ने बताया कि कैसे माइंड में प्रोजेक्ट करता है, उसको लगेगा कि अरे ये तो बुद्धा है, बस मैं तो बुद्धा को देख लिया, बुद्धा ने मुझे ये कहा, मुझे ये कहा। तो उन्होंने कहा कि एजलेस विजडम के अनुसार कोई भी मृतकात्मा अगर इथरिक प्लेन पे जो स्टक रहते हैं, जो हमारे बगल में ही है हमारे फिजिकल प्लेन के, अगर उनको छोड़ दे, उन लोगों के बारे में बात करना छोड़ दे, तो जो भी आगे की तरफ है एस्ट्रल मेंटल में जो भी आत्माएं पहुंच जाती है, उनके पास ताकत नहीं होती कि वो पृथ्वी पर आ सके, सिर्फ हमारे उस मीडियम की जो सिर्फ मीडियम ही उस स्फीयर पे जाके उनसे कनेक्ट हो सकता है। और यदि वो ट्रेंड है तो अच्छी आत्माओं से मिलेगा, और यदि वो ट्रेंड नहीं है तो अच्छी आत्माएं समझ के इन कॉप्स के साथ करेगा। इनको कॉप्स घोस्ट भी कहते हैं, उस कॉप्स को उन्होंने कहा है कि आध्यात्मिक साइंस में इसको घोस्ट कहते हैं। वो कुछ नहीं है, सिर्फ एक लाश है जो एक्टिवेट हो गई है एक्टोप्लाज्म मीडियम के। तो उनको पर अगर मान लो कोई एडवांस साइकी है, ये तो हम लोअर की बात कर रहे हैं, जैसे कोई एडवांस साइकी है वो बहुत सारा ज्ञान और ज्ञान अपने टीचर से जाके लेके आ सकता है। कई लोग, कई पवित्र प्लैनेट जैसे वीनस से भी कनेक्ट होते हैं। वीनस हमारे क्या है, सबसे हाई डेवलप्ड प्लैनेट है, उनसे भी वो कांटेक्ट कर सकता है, पर वो बहुत कम रेयरेस्ट होता है, और उस आदमी के पास प्योरेस्ट हार्ट होना चाहिए। अब जैसे फ्रेंड हम लोग जानते हैं हेलेना ब्लेवस्की के बारे में, उनको मौर्या वीनस के हैं, वो हायरार्की के व्हाइट लॉर्ड जिसको बोलते हैं हम, उनसे कनेक्ट हुई। एलिस बेली, उन्होंने ज्वाल खुल से कनेक्ट हुई थी, उनको शॉर्ट फॉर्म में डीके बोलते हैं। ज्वाल खुल हम बोल रहे हैं पर उसकी स्पेलिंग क्या है, DJWALKHUL, ज्वाल खुल, उनसे वो कनेक्ट हुई। तो वो वीनस से तक के, वीनस के मास्टर्स हायरार्की से तक के लोग कनेक्ट होते हैं अगर आपके पास प्योर हार्ट है तो। पर ये हर एक के साथ नहीं होता है कि वहां तक के पहुंच जाए।
तो अगर मान लीजिए सिर्फ मेंटल कॉर्प्स या एस्ट्रल कॉर्प्स से जो भी मीडियम ज्ञान लेता है तो वो बहुत ही साधारण लेगा जितना उस कॉर्प्स के पास ज्ञान रहेगा। जैसे मान लीजिए एक मैं ही मर गई है ना, मेरे मरने के बाद मेरे से जो भी मेरे कॉर्प से बात करेगा वो उतना ही ज्ञान लेगा जितना नीता के पास है। नीता वहां जाके सुपीरियर नहीं बन जाएगी, उतना ही ज्ञान रहेगा तो वो उतना ही ज्ञान लाएगा, परंतु हमको उसमें कोई विजडम नहीं रहेगा। और उन्होंने कहा है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि फ्यूचर साइकिक को ऐसे कॉर्प से दूर रखा जाएगा और ऐसे इंट्यूशनल प्लेन यानी कि कॉजिशन वर्ल्ड्स में एनलाइटेड मास्टर लोगों से कनेक्ट करने की ट्रेनिंग दी जाएगी और बकायदा होना चाहिए। तो डेंजर्स क्या क्या हैं ऐसे लाशों के साथ अगर जब हम कनेक्ट हो जाते हैं? ये मीडियम में काफी मेंटल और एस्ट्रल वायरसेस डाल देते हैं उनके, ताकि उनके पूरे इम्यून सिस्टम को डिजेनरेट कर लेते हैं। मीडियम के में जो माध्यम है जो देख रहा है उसके में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, उसके जीवन में बहुत अव्यवस्था आ जाएगी, उसके में हेट्रेड एंगर रिवेंज रिवॉल्यूशन ये सब बढ़ जाएगा, सेपरेटिज्म सब बढ़ जाएगा। सामने वो बहुत प्यार वाला बताएगा परंतु उसके अंदर ये बढ़ते जाएगा। जिसके मीडियम में जिस मीडियम के अतीत में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं उनके माइंड को भी वो एजिटेट करते हैं कि वो पुरानी बातें, वो पति ने ऐसे लड़े थे कि उसको एजिटेट करेंगे। ऐसे लोग जो ऐसे मीडियम होते हैं वो लोगों को स्पिरिचुअली इंडिपेंडेंस होने से रोकते हैं। वो हमेशा अपने पर डिपेंड रहना सिखाएंगे कि हमसे कनेक्ट रहो, हम तुम्हारी हीलिंग करेंगे या हम तुम्हारे को इवॉल्व करेंगे। झूठ फैलाते हैं और उस मीडियम की जो ऑरा होती है वो पूरी तरीके से दूषित हो जाती है और उनके आसपास के लोग जो की भी होती है। तो ऐसे आस जो ऐसे मीडियम्स हैं उन लोगों से आपको दूरी बना के रखनी चाहिए, नहीं तो आपकी ऑरा भी खराब होगी। और खूब सारी उस मीडियम को डिजीजेस हो जाती है और ये कॉप्स जो होती है वो डार्क फोर्सेस को सिग्नल देती है ताकि वो आए और इस मीडियम को यूज करे। और इसलिए पहले मीडियम कॉप्स के शिकंजे में रहता है और कॉप्स के बाद वो डार्क फोर्सेस के शिकंजे में चला जाता है। तो टॉरकॉम ने कहा कि वो कम्युनिटी जो मीडियम और को टॉलरेट करती है उसको बहुत बड़ा भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और उन्होंने कहा है कि अगर आपको हायर वर्ल्ड से कनेक्ट होना है, आपको इस लोअर साइकिज्म की ये दिखे वो दिखे, ये भाषण दिया मुझे ये ज्ञान दिया। बुद्धा ने क्या कहा था, रास्ते में मैं दिखूंगा तो मुझे भी मार देना। रामकृष्ण जी जो इतना काली को दिखते थे उसको जब आप याद है, आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है ना। तो ये जो हमारे जो थर्ड आई के हैं वो आध्यात्मिक खिलौने हैं हमारे, ओशो कहते हैं। इन खिलौनों से दूर जाना है आपको, आपको अपनी सिर्फ हाई साइकी पावर्स अपने विजडम को बढ़ाना है। तो उन्होंने कहा कि हायर वर्ल्ड से आपको कनेक्ट होने के 5 स्टेप हैं। आपकी लगातार मेहनत होनी चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ के अपने ज्ञान को बढ़ाएं। मेडिटेशन आपको बहुत करना है। आपकी लाइफ हार्मलेसनेस होनी चाहिए, किसी को भी नवाचिक नमानसिक न शारीरिक कोई भी क्षति नहीं पहुंचानी है आपको। बिल्कुल हार्मलेस वाली लाइफ जीनी है आपको। प्यूरिटी रखनी है, प्यूरिटी सबसे ज्यादा बोला जाता है, और आपकी सेवा सेक्रीफिशियल सर्विस के लिए। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको हायर डायमेंशन में जाना है ना, तो हमारे जो सटल बॉडीज है ना उनका वेट बहुत काम का रहता है। फिजिकल वेट नहीं, ऐसा मत सोचता कि मैं नहीं जा सकती, भाई मैं भी जा सकती, मैं कितने भी किलो की रहूंगी। हमारी सटल बॉडीज का, फिजिकल नहीं, हमारी सटल बॉडीज का वेट कितना है। तो जो हमारे पास फिजिकल सेंसेस के द्वारा जो हमारी वासनाएं होती है ना, बहुत खाना खाते हैं कई लोग, बहुत सेक्स करते हैं जो लोग, जो अल्कोहल लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, या जिनको बहुत अपने अटैचमेंट रहता है प्रॉपर्टी से, उनकी सटल बॉडीज का वेट भारी रहता है। ठीक है, फियर होता है, एंगर होता है, हेटेड होता है, वो सब आप जानते हैं, उसमें भी आपके बॉडी का वेट ज्यादा हो जाता है। और यदि आपके बहुत ही डेंस थॉट फॉर्म्स हैं, लालच है, घमंड है, अहंकार है, कट्टरता है, वो भी आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा वेट ला के देता है। तो आप जो भी वर्ड्स एक्शन सोचते हैं जो भी करते हैं सब आपको मालूम है, वो आपके सटल बॉडीज में वोन्स या स्कार्स के रूप में रहते हैं और वो वेट वेट रहता है। तो आप उम नहीं सकते हायर वर्ल्ड्स में। हायर वर्ल्ड्स में आप
कैसे फ्लाइट इजीली करें, है ना। तो आपके पास स्पिरिचुअल सब्सटेंस होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत प्यारा है, क्योंकि कई चीजें, बहुत नई चीजें मालूम चलती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। तो उन्होंने कहा है कि आपकी लाइट बॉडी करने के लिए, ताकि आपकी फ्लाइट इजी हो, आपको स्पिरिचुअल सब्सटेंस होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास साइकी एनर्जी होनी चाहिए, ताकि आप दूसरे साइकी और डार्क फोर्सेस से प्रोटेक्टेड रहें और ब्लिस में भी रहेंगे। आपके में जॉय होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, और दो जो नए वर्ड्स हैं जिसके लिए मैं कहना चाह रही हूँ, एक उन्होंने कहा हुर, HUR, हुर। ये एक डिवाइन फायर है। जब व्यक्ति सेवा में हमेशा अपने को व्यस्त रखता है तो हुर उसकी सटल बॉडीज में फिल होती है। और शोक, शोक मतलब एक रे को बोले हैं कि जब मनुष्य अपने मतलब अपने कि मैं अलग हूँ, विशिष्ट हूँ, ऐसा नहीं, मैं सिर्फ इस वन सेल्फ का, उस ईश्वर, उस परमात्मा, डिवाइन सेल्फ का एक पार्ट हूँ, जब ऐसा मानता है शोक, उसमें उसके में सब्सटेंस फिल होती है। और जितने हम गुण बताते हैं कि पेशेंस डेवलप करना चाहिए, कंपैशन है, ग्रैटिट्यूड है, हमको लगता है कि ये सिर्फ आत्माओं के लिए कुछ होता होगा, बोले ये सब सब्सटेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती हैं, आपकी सटल बॉडीज को लाइट बनाती हैं। तो सारे वर्च्यूज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन आपको बहुत लाइट बनाता है आपकी बॉडीज को, और प्रतिदिन अगर आप अपने रिव्यू करेंगे तो आप अपने अपने इन सब चीजों को, अपने गुणों को, सबको इंक्रीज भी करते जाएंगे, स्टोर भी करते जाएंगे, आपके सोलर इंजन भी नहीं खोते हैं, फिर आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हो, और जितना आपकी ये हैवी वेट रहेगी आप नहीं जा पाएंगे। जैसे कई लोग मेडिटेशन में सियांस रूम में, मतलब सियांस में जब आध्यात्मिक उनकी मुलाकात होती है किसी से, तो वो बोलते हैं कि मैंने अपने भाई को देखा और मेरे भाई ने मुझे कुछ सीक्रेट बताया, या मैंने अपने पापा को देखा, उसने मुझे कुछ सीक्रेट बताया, और बिल्कुल सही है, वो आर्ग्यू भी करते हैं। तो वो कहते हैं कि ये सत्य है, ये संभव है, क्योंकि कॉप्स में भी, जैसे मैंने कहा ना कि उसके में सारी रिकॉर्डिंग होती है उस व्यक्ति की, तो वो भी कभी कभी आपके माइंड में प्रोजेक्ट करके वो कॉप्स आपको जानकारी दे सकते हैं। इसका एक और पहलू है जो मैं कल ऑटोमेटिक राइटिंग में आप लोगों को बताऊंगी विद डायग्राम। तो उन्होंने कहा है कि जो भी ऐसे कॉप्स वगैरह से जो जुड़ते हैं, उनके और भी डेंजर्स उन्होंने बताए हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जब मीडियम रहता है, वो जो कॉप्स में अवगुण होंगे, जैसे वो शराब पीता होगा या सेक्स से बहुत अट्रैक्टेड होगा, तो जितने उसके अवगुण हैं वो सब मीडियम में आने शुरू हो जाते हैं, और उसकी बीमारियां भी आती हैं। और जैसे मैंने बताया कि और आपको डिस्टॉर्टेड कर देती हैं, और उसको कई मानसिक बीमारियां हो जाती हैं। एक जगह टॉरकॉम ने कहा है कि मेरा एक फ्रेंड था जो मीडियम बन के काफी सालों तक के काम किया, और वो आज एसाइलम में है। तो इसलिए मैंने ये पॉइंट को जरूर मेंशन कर रही हूँ कि मानसिक डिसऑर्डर भी कर देती हैं कभी कभी वो कॉप्स घर में ही, जैसे किसी के घर जो मीडियम है, जो ये सब लोगों के साथ कनेक्ट होता है, लाशों के साथ, उनके घर में भी वो लाशें डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं। तो क्या होता है, उसे पूरे उनके घर में स्मेल भी आएगी, और मीडियम के स्किन में जल जाएगा, उसकी स्किन जलन के उसके निशान हो जाएंगे, उसकी बर्निंग वाली। उस मीडियम की स्पिरिचुअल इवोल्यूशन बहुत धीरे हो जाएगा, और जड़ता आ जाएगी, अपैथी वगैरह सब आ जाएगा। मीडियम की पूरी वाइटल एनर्जी को वो सोख लेंगे, आप देखोगे तो उनको लगेगा बिल्कुल एनर्जी नहीं है, है ना। हाँ, डर लग रहा है ना, इसीलिए बता रही हूँ कि डरो, सिर्फ दरवाजे से घुसना है अपने को, है ना, नो शॉर्टकट। तो उन्होंने कहा है कि उसकी पूरी वाइटल एनर्जी को भी सोख लेता है, और अगर मान लो कोई प्योर ऑनेस्ट मीडियम रहा, जो अपने सोलर इंजन्स को नहीं जानता है, तो उसको भी एजुकेटेड और ट्रेन करना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारे सामने कोई बहुत अच्छा व्यक्ति दिखता है, तो हमको उसको सोलर इंजन से कनेक्ट होना सिखाना चाहिए, और समझाना चाहिए कि सोलर इंजन की एनर्जी को आत्मसात करो और आप कनेक्ट हो दूसरे मास्टर से।
एक बहुत अच्छी चीज उन्होंने कहा था कि कभी कभी क्या होता है कि एस्ट्रल वर्ल्ड में ना हम एडवांस डिसाइपल्स लोगों से भी मिलते हैं, जैसे बहुत हमारे ग्रुप में लोग हैं जिनको थर्ड आई विजन्स होते हैं, वो कई लोग अच्छे अच्छे जो जीवित लोग हैं उनके भी एस्ट्रल बॉडी से मिलते हैं, पर मोस्टली मीडियम्स लोग शेल से, थॉट फॉर्म से और इमेजेस ऑफ लिविंग एंड डिसएम्बॉडीड सोल, मतलब जो अशरीरी आत्माएं हैं उनसे मिलते हैं। एक एथरिक प्लेन का, यहाँ पे एक जो चीज मैं आपको बता रही थी ना उसको मैं थोड़ी देर के बाद समझाती हूँ। एथरिक प्लेन के बारे में बताया कि वहां पे जो एथरिक वर्ल्ड में मर्डरर्स, सुसाइड्स, मटेरियलिस्टिक लोग बहुत, और जो विश्वास ही नहीं करते हैं कि दूसरी दुनिया होती है, नास्तिक एकदम स्वार्थी लोग जो रहते हैं, उनकी जो आत्माएं स्टक रहती हैं वो मीडियम को पकड़ती हैं, और मीडियम अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि उसको आंसर मिल रहा है ना, उसको लोगों के सामने वाहवाही मिल रही है कि ये तो इतने लोगों से कनेक्ट हो सकता है, तो ऐसे लोगों को वो मीडियम यूज करता है, एथरिक प्लेन के भी सोल्स को, अर्थ बाउंड सोल्स को भी वो यूज करता है, तब मीडियम खुद को भी डैमेज कर रहा है और उन अर्थ बाउंड सोल्स को भी आगे इवोल्यूशन से रोक रहा है। क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कोई एथरिक वर्ल्ड में है आत्मा फंसी हुई है, अगर कोई मीडियम उसको यूज नहीं करेगा तो इनविजिबल हेल्पर्स आएंगे, उनको कोई शिक्षा नहीं देंगे एजलेस विजडम की या आत्मा की, कोई शिक्षा नहीं देंगे, सिर्फ कंसोल करेंगे, करेज करेंगे, फिर उनको इतना पीस और काम कर देंगे कि वो अपनी एनर्जी पाकर अपनी नेगेटिविटी से दूर होके एस्ट्रल वर्ल्ड में आगे बढ़ सके। मीडियम क्या करता है, उनको पकड़ के रखता है, हाँ मुझे इसका आंसर चाहिए, अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, वो सब यूज कर रहा है, तो गलत तो कर ही रहा है, उन सोल्स को भी उसने रुकवा के रखा है, तो वो बोलता है कि बहुत गलत है ये सब चीजें। और यहाँ तक कि जो हम प्रेयर्स करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जैसे हम ग्रुप मेडिटेशन भी जानते हैं कि जहां पे ग्रुप मेडिटेशन किया जाता है वहां की आसपास की अगर अर्थ बाउंड सोल्स भी होती है तो हमारे बिना बोले, हमारी बिना जानकारी के अवेकन हो जाती हैं और एस्ट्रल वर्ल्ड्स की तरफ मूव करती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ग्रुप का वहां पे शुद्धिकरण होती है, कहा जाता है ग्रुप मेडिटेशन का। तो उन्होंने कहा है कि एक बहुत ही अच्छा बताइए जो मैंने बताया कि एडवांस डिसाइपल से भी मिलती है, जैसे मान लीजिए किसी को थर्ड आई विजन होता है बकायदा, वो एस्ट्रल वर्ल्ड वगैरह में जाके मिलता है। अब यहाँ पर कोई एक जीवित व्यक्ति है जो एडवांस सोल है ना, मतलब उसको लोग बोलते हैं एडवांस डिसाइपल, मतलब उन्नत शिष्य है, वो भी एस्ट्रल ट्रेवल कर रहा है, ये मीडियम का भी एस्ट्रल बॉडी वहां पे जाके ट्रेवल कर रहा है, तो दोनों जने जब मिलते हैं तो वो मीडियम क्या सोचेगा कि ये कोई स्पिरिट है, जबकि वो नीचे रह रहा है ना, वो सिर्फ एस्ट्रल ट्रेवल के लिए आया था, जैसे कई लोग बोलते हैं ना, समझ जाओ। तो एक एग्जाम्पल देख के मैं समझाती हूँ, टॉप ने बहुत प्यारा एग्जाम्पल दिया था, 2 मिनट में आपको समझाऊंगी ये वाला, कि एक मेरी मीडियम फ्रेंड थी, वो मेरे पास आई और मेरे को बोली कि मेरे को ना एक स्पिरिट ने मैसेज दिया है, देखो तो सही। तो डॉक्टर ने देखा और एक उनका फ्रेंड था जो बहुत ही एडवांस है, वर्ल्ड है, उसको दे देता है कि डॉक्टर कि देखो तो इसके मैसेज जो स्पिरिट से आया है इसका मूल्यांकन करके बताओ। तो वो देखता है, हंस के रख देता है। दूसरे दिन फिर वो मीडियम फ्रेंड उसकी आती है, फिर बोलती है कि देखिए डॉक्टर मुझे फिर से मैसेज मिला है स्पिरिट के द्वारा, आत्मा ने मुझे दिया है ये मैसेज। फिर वो जाता है और फिर अपने फ्रेंड को देता है टॉरकॉम, तो टॉरकॉम के फ्रेंड फिर से उसको लेके एक टेबल में रख लेते हैं, फिर उनको एक पेपर देते हैं, बोलते पढ़। वही टॉपिक पे बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन में आंसर लिखा हुआ था, जबकि जो वो मीडियम ने उसको दिया था टॉरकॉम को, वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में था, मतलब दूषित था वो मैसेज। तो वो उनका फ्रेंड पूछता है टॉरकॉम का कि क्या लगता है, तुमको क्या सोचते हो? तो टॉरकॉम कहता है कि क्या आप उसके स्पिरिट हैं? तो बोलता है यस, जब मैं एस्ट्रल ट्रेवल कर रहा था तो वो मेरे साथ ट्यून्ड हो गई थी और मेरे से ज्ञान ली, परंतु उसकी क्योंकि प्योर नहीं है तो वो मेरे मैसेज को सही तरीके से ट्रांसलेट करके नहीं लिखी। तो बता रही हूँ कि कई लोग ऐसे लोगों से भी मिलते हैं, तो टाइम हो रहा है। तो टॉरकॉम बोलते हैं मीडियम क्या करते हैं, कॉप से करते हैं, डार्क फोर्सेस से लेते हैं, अशरीरी आत्माओं से लेते हैं, एडवांस डिसाइपल से मिलते हैं और अपने अहंकार से भी वो आंसर्स लेके आते हैं।
और कुछ ट्रांस मीडियम अपने शरीर को छोड़कर एस्ट्रल और लोअर मेंटल वर्ल्ड में घूमते रहते हैं। वो अपने शरीर के साथ बहुत डेंजर काम करते हैं, क्योंकि जब वो चले जाते हैं तो सोलर एंजल्स उनकी इन क्रियाओं से खुश नहीं रहता, तो सोलर एंजल भी उनसे डिटैच होने लग जाता है। तो सोलर एंजल्स हमारी रात को रक्षा करता है ना, तो जब सोलर एंजल ही नहीं है और वो घूम रहा है एस्ट्रल और लोअर मेंटल वर्ल्ड में पूरे टाइम ट्रांस मीडियम, तो उसकी बॉडी को पजिस्ट हो जाती है डार्क फोर्सेस के द्वारा। अब ये ट्रांस मीडियम क्या है, ये मैंने आज बहुत सर्च किया और मैं दंग रह गई कि बहुत सारी चीजें, मतलब हमारे आसपास। तो ट्रांस मीडियम उसको कहते हैं कि जब कोई एक मीडियम बैठता है ना मेडिटेशन में, बोलता है कि हाँ अब ये आ गए हैं, अब ये बोल रहे हैं, अब ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ट्रांस में रहता है वो। और जब ट्रांस से बाहर आता है तो उसको जब बोलते हैं कि आपने ये बताया था, मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि कोई भी किसी को भी मैं नाराज नहीं करना चाहती, ये सब वर्ड्स टॉकम के हैं, है ना, जो मैं बोल रही हूँ मेरे नहीं है। तो जो ट्रांस में रहते हैं मीडियम लोग, और जब ट्रांस से बाहर आते हैं और बताते हैं कि आपने इस इन से बात की, आपने यहाँ यहाँ लोगों को बुलाया, ये हमारे चक्र को क्लीन कर दिया, ये सब, बोले अच्छा मैं खुद सुनूंगी अपने ऑडियो, मुझे नहीं मालूम है, मैं तो ट्रांस में थी। तो ये ट्रांस मीडियम है। ट्रांस मीडियम की बहुत बहुत ज्यादा निंदा की गई है। टॉरकॉम कहता है जो चैनलिंग जो सेट मास्टर और रामथा की नाइट ने किया था, जेड नाइट ने, हाई एनर्जीज की वोल्स होती हैं जब हमारे में कोई आती है ना, हायर सोल्स, इतनी हाई एनर्जीज होती है कि वो मीडियम हैंडल करने के योग्य होना चाहिए, और उसके जाने के बाद वो बहुत बुरी तरह से होता है। ऐसा नहीं कि ट्रांस मीडियम आया फिर उठा पानी वानी पिया खाना खा रहा है घूम रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि ट्रांस मीडियम लोग सबसे ज्यादा अपने बॉडी के साथ खतरनाक खेल खेलते हैं। यहाँ पे एक थॉट फॉर्म के लिए बताया है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं आप लोगों को बताऊं या नहीं बताऊं। एक मुझे कोई लिखो, कोई बताओ, तब तो मैं थॉट फॉर्म में मुझे 3-4 मिनट लगेगा, परंतु है बहुत इंपॉर्टेंट। पर पता नहीं आप लोग, कविता तो बहुत उत्सुक आत्मा है, उसको बहुत जरूरी है। हम जो भी सोचते हैं ना फ्रेंड, तो एक थॉट फॉर्म हमारा बनता है। कोई भी अगर ग्रुप है, वो भी ग्रुप अपनी एक थॉट फॉर्म बनाता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक थॉट फॉर्म बनता है। लीडर्स हैं, उनके थॉट फॉर्म होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमारे 18 प्रिंसिपल्स हैं, या 25 सर हमको जो बोलते हैं, वो हमारे उस ऑर्गेनाइजेशन के एक थॉट फॉर्म है, ताकि हम कभी भी जो भी साइकी है, कभी भी उस एस्ट्रल वर्ल्ड में या मेंटल वर्ल्ड में, उनसे हम डायरेक्शन या एडवाइस या करेज ले सकते हैं। वो जगह बन जाती है थॉट फॉर्म की, एक हमारी सबकी। ठीक है, बता रही हूं क्योंकि मुझे भी लगा कि मुझे बताना चाहिए। कंफ्यूज इसलिए होती हूँ कि कहीं आपको कहीं भारी पड़ रहा हो तो मैं क्लोज कर दूं सेशन। तो वो थॉट फॉर्म हर एक ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, ताकि जो भी विजिटर्स, मतलब जो भी साइकी या जो भी हम एक्चुअली जाके उनसे करेज और अपनी एडवाइस और इंस्ट्रक्शन वगैरह ले सके, वो स्पेस बन जाता है। अब कई लोग उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में गलत सोचते हैं, है ना, कि ये ऑर्गेनाइजेशन फालतू है, लूट रहा है, ये है। अब वो डार्क, मतलब डार्क नहीं, निगेटिव इमोशंस एक कुछ लोगों के हैं इकट्ठे। अब डार्क फोर्सेस क्या करती है, उनके थॉट फॉर्म में पैनिट्रेट करती है। देखिए, हम ब्रह्मांड के रहस्यों को नहीं जान सकते, पर हाँ थोड़ा बहुत समझने की कोशिश हम कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा चेतना बढ़ रही है। तो डार्क फोर्सेस की जो एनर्जी है, वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के थॉट फॉर्म में पैनिट्रेट करता है, उसको मैनिपुलेट करता है, उसको इल्यूजन्स में डाल देता है, और वो थॉट फॉर्म बुरी तरीके से पॉल्यूटेड हो जाता है। पॉल्यूटेड हो गया वो थॉट फॉर्म जो प्योर था, जो बिल्कुल सत्य के रास्ते पे था, वो अब थॉट फॉर्म पॉल्यूटेड हो गया। अब जब भी हम एस्ट्रली या जो भी साइकी है, वो उससे कनेक्ट होंगे, उस अपने थॉट फॉर्म से, क्योंकि थॉट फॉर्म तैर रहे हैं ना पूरे जगह, सटल तरीके से तैर रहे हैं, जैसे लाशें तैरती है ना, ये सटल बॉडी, ज्यादा मैं डराना नहीं चाह रही थी। तो वैसे उन्होंने कहा कि ये थॉट फॉर्म भी तैर है। तो अगर मान लो कोई भी उसके साथ जुड़ा, उसको कंफ्यूजन क्रिएट होगा, और
जो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में गलत सोचते हैं वो भी एनर्जी डार्क फोर्सेस को मिलती है, वो भी उसमें पेनिट्रेट करके मतलब उनको बल देते हैं डार्क फोर्सेस को। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन के जो प्योर थॉट फॉर्म था वो पूरी तरीके से पॉलिटेड हो जाता है। उसके जो अनुयायी लोग थे वो भी इस इल्यूजन्स में, इस भ्रम में आ जाते हैं। ऐसे लोग जो मीडियम बन जाते हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से ब्लाइंड है, अज्ञानी है। वो डार्क फोर्सेस की को मतलब उनसे उनके पॉलिटेड मतलब इस थॉट फॉर्म के पॉलिटेड के कारण लोगों के भी जीवन में मतलब जो रोजमर्रा के जीवन है उनके जीवन में भी बहुत ही ज्यादा डैमेज करते हैं, बहुत डेंजर होते हैं। तो टॉरकॉम ने कहा है कि कई ऑर्गेनाइजेशन डूब चुकी है, कई सिविलाइजेशंस डूब चुकी हैं, पैरिश हो चुकी हैं सिर्फ ऐसे मीडियम जो कॉप से कनेक्ट होता है या जो ऐसे थॉट फॉर्म से कनेक्ट होता है। तो आप लोग अगर सक्षम है, तो उन्होंने कहा है कि आप लोगों को समझाइए कि आप ऐसे लोगों पे बिलीव मत करिए, एंशियंट रेसेस भी इसे पैरिश हो गई है। और उन्होंने कहा है कि जो भी एडवाइस दे रहे हैं हायर सेकिज्म के लिए हमको टॉरकॉम, कि यदि आप अभी योग्य नहीं हैं, अगर आप अभी तैयार नहीं हैं, तो अपने आप को फोर्स मत करिए उस साइकी पावर्स को पाने के, क्योंकि उसके पास है, इसके पास है, वो इससे बात कर रहा है, उससे बात कर रहा है। नहीं, आप बिल्कुल भी अपने को फोर्स मत करिए कि आपके में ये पावर्स आए। अपने सेंट्रल चक्रा के साथ कभी भी हेर फेर मत करिए, कोई भी चक्रा पे कंसंट्रेशन भी आपको नहीं करना है। एक आप जब आप तैयार हो जाते हैं, आपको लगता है कि हाँ मेरे पास कुछ पावर्स आ रहे हैं, तो आप अपने लिए एक बुद्धिमान शिक्षक को ढूंढिए। आप कोई भी जो क्यूरियस लोग हैं, या कई लोगों का इंटरेस्ट रहता है ना, सेल्फिश इंटरेस्ट रहता है, उनके उनकी पूर्ति के लिए अपने साइकी पावर्स का उपयोग कभी भी मत करें। अगर आपके में क्लियर वॉइंट है या क्लियर ऑडियंट है, तो ऐसे लोगों के लिए यूज मत करिए साइकी पावर्स को। उपनिषद, भगवत गीता, ब्लेवस्की, एलिस बेली, इन सब की स्टडी करते रहिए, मेडिटेशन करते जाइए। नैतिक जीवन का पालन आपको करना है। सेक्स के बारे में हमेशा टॉपअप बोलते हैं, और मैं भी आप लोग को बार बार रिमाइंड कराती हूँ। मुझे मालूम है कि आप लोग को लगता होगा कि उस पर क्यों इतना एम्फेसिस करती है नीता मैम, तो पूरी बुक मैंने इनके ऊपर पढ़ा है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अपने शरीर की प्योरिटी हमको रखनी है। अगर हम आध्यात्मिक यात्रा में हैं तो मोनोगैमी, एक ही पार्टनर होना चाहिए। वैनिटी, ग्रीड, हेट्रेड, इन सब से दूर रखना चाहिए। अगर ये सब रहेगा तो आपके सोलर एंजल्स आपको छोड़ के चले जाएंगे। आपके आध्यात्मिक प्रयास और जो डिस्कवरी होती है, जो भी आप स्ट्राइविंग कर रहे हैं, जो भी लेबर कर रहे हैं, वो एक एवरेज लोगों को कभी मत बताइए कि मैं इतना कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैंने ऐसा किया। उनको कभी भी आप एवरेज लोगों को मत बताइए। अपने साइकी एक्सपीरियंस अपने टीचर्स के साथ अपने को उनको रिपोर्ट करिए। अपने सोलर एंजल्स की लाइट में रहिए, और जो भी आपको साइकी ऑर्डर्स मिलते हैं आपके सब्जेक्टिव रेम्स में, आप अपने टीचर्स की सलाह के बगैर उसका पालन मत करिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एस्ट्रल ट्रेवल कर रहे हैं, आपके पास थर्ड आई विजन है, आपको किसी मास्टर ने मिलके आपको कहा कि अब आप चले जाइए यहाँ, और आपको जाके खूब मेडिटेशन कराना है, अपनी प्रॉपर्टी को आप छोड़ दीजिए और ये करिए। कई लोग अपने घर बार, अपने बच्चों को, अपने स्पाउस को छोड़ के सर्विस के लिए पागल हो जाते हैं और भाग जाते हैं। हो सकता है उनका वाकई वो डिवाइन प्लान, मुझे नहीं मालूम, मैंने लोगों को देखा है इतना सब कुछ करते हुए। तो वो कहते हैं कि आप जब आपको ये सब्जेक्टिव रियल मतलब मेरा अपना संसार जहां पे मैं जाती हूँ ध्यान में और सपने में, वहां पर सपने में या मेडिटेशन में आपको जो भी मैसेज मिल रहे हैं आप उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करें। प्रदीप सर ने कितने सुंदर तरीके से हम लोगों को समझा के गए हैं कि फॉलो योर हार्ट, और जब आपके पास उस चीज को करने के लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट सोर्सेज और समय उपलब्ध हो,
आप उसको फॉलो करिए। प्रदीप सर को हम जितना भी ग्रेटिट्यूड दें उतना कम है। उन्होंने बताइए मुझे मैं टॉरकॉम पढ़ती हूँ तो मुझे प्रदीप सर कितनी याद आती कि कितना ज्ञान हमको कितना अवेयर करके गए हैं वो। तो उन्होंने कहा है कि कोई भी फॉलो मत करिए, स्वधर्मा फिर परोधर्म, है ना। और लास्ट में उन्होंने कहा है कि कई फैंटम से भी मीडियम लोग कनेक्ट हो जाते हैं। फैंटम्स मतलब घोस्ट, भूत, प्रेत, जो भी आप बोलिए। जैसे फ्रेंड अगर ये एक रिमोट है ना, इसकी भी एस्ट्रल बॉडी है, पूरी फुली डेवलप नहीं है क्योंकि मिनरल किंगडम का है, तो ये इसकी भी एस्ट्रल करेस्पॉन्डेंस है, मतलब इसकी एक छवि है, एक एस्ट्रल छवि होती है, प्लांट की भी होती है, सबकी होती है, सबकी होती है ना। किसी दिन कॉन्शियसनेस का एक अलग लेसन पढ़ाऊंगी। अभी मैंने कर्म का आया होगा ना, वो पीएमसी में, उसमें मैंने काफी कुछ डिटेल में बताया है ना, सबकी एक मेंटल बॉडी कम रहती है लोगों की और एस्ट्रल बॉडी रहती है। तो टॉरकॉम बोलती है कि कई धर्म में लाशों को जलाया नहीं जाता है, उनको दफनाया जाता है। तो एस्ट्रल वर्ल्ड में जो उनका जो मैग्नेटिज्म है, उसका जो वो एस्ट्रल करेस्पॉन्डेंस से जो उनका बनता है छवि, है ना, जो बनती है, वो फैंटम अर्थात भूत का रूप लेती है, प्रेत जिसको हम बोलते हैं। वही नाइटमेयर्स में हेलुसिनेशन वगैरह सब करते हैं, लोगों को डराते हैं, वो भी मीडियम से कनेक्ट होते हैं। तो टॉरकॉम ने कहा है कि ये बहुत अच्छा है कि हमारे हिंदू धर्म में कितना अच्छा है कि लाश को जला दिया जाता है, तो वो भी मीडियम से कनेक्ट होता है। तो मीडियम किससे बात करता है, जो एथरिक में है, जो एस्ट्रल में है, एस्ट्रल बीइंग से भी कनेक्ट हो सकता है। जैसे मान लीजिए अभी मान लो मैं चली गई, अब मैं एस्ट्रल वर्ल्ड में बैठी हूँ, तो चांद जी मेडिटेशन बैठेगी तो मेरे से कनेक्ट हो सकती है। अभी मैं एस्ट्रल वर्ल्ड को छोड़ के मेंटल वर्ल्ड में नहीं गई हूँ, अभी मैं एस्ट्रल वर्ल्ड में हूँ, तो चांद जी मुझसे कनेक्ट हो सकती है, मतलब एस्ट्रल बॉडी से कनेक्ट हो सकती है। फिर जब मैं मेंटल बॉडी में चली जाऊंगी तो मेरे एस्ट्रल कॉर्प से भी वो कनेक्ट हो सकती है। तो मीडियम क्या करता है, एथरिक के अर्थबाउंड सोल्स, एस्ट्रल के बॉडीज, मेंटल बॉडीज, एस्ट्रल और मेंटल कॉर्प्स, कुछ एडवांस डिसाइपल्स और ऐसे फैंटम से कनेक्ट हो पाता है। जो देवाचिक वर्ल्ड में चले जाते हैं, मतलब जो हायर वर्ल्ड, हायर मेंटल वर्ल्ड में चले जाते हैं, उनसे कोई मीडियम बात नहीं कर सकता। उसके लिए उसको इतना अपने को एडवांस करना पड़ता है कि वो इंट्यूशनल प्लेन तक के जा सके, वो हायर मेंटल तक के जाके उनसे बात कर सके। तो वहां तक के आपको प्योरिटी रखनी पड़ेगी, बहुत प्योर हार्ट, आपकी पूरी तीनों बॉडीज प्योर, आपका आगे पीछे का रिकॉर्ड इतना क्लीन हो जाना चाहिए कि वो आप इंट्यूशनल प्लेन में उनसे बात करें। नहीं तो आप सिर्फ एक आध्यात्मिक खेल खेल रहे हैं थर्ड आई के रूप में और इस मीडियमशिप के रूप में।